जब से शहर में कोरोना महामारी ने दस्तक दी है तब से लेकर अब तक शहर वासियों के लिए मनपा द्वारा संचालित अपनी बस सेवा पूर्णतः बंद थी, जो अब शुरू हो रही है, ऐसी जानकारी परिवहन सभापति नरेंद्र बोरकर ने दी है। लॉकडाउन के चलते शहर की आपली बस सेवा बंद की गई थी, लेकिन अब अनलॉक के चलते शहर की आपली बस सेवा कल से शुरू हो रही है, जिसमें 90 बसें कल से शुरू की जा रही है, जो कामटी रोड, पुटीबोरी, काटोल रोड, पार्डी रोड, हिंगना रोड की बसें शुरू हो जाएगी, ऐसी जानकारी परिवहन सभापति नरेंद्र बोरकर द्वारा दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचा जो निर्णय है त्या निर्णयावर धरून आम्ही 100% क्षमतेने आम्ही बससेवा चालू करून आलो आहे। आणि या 100% बसेवर त्याच्यामध्ये सकाळी गाडी निघल्याबरोबर पहिले त्याला धुणं वगैरे सॅनिटायझर करून नंतर रात्री आल्यानंतर त्यांना सॅनिटायझर करून हे आम्ही पूरी तयारी केली आहे। आणि हे तयारी पूर्ण कंडक्टरची आजपासून भरती सुरू केली आहे। आमचं टेंडर नवीन झालं होतं, नवीन टेंडरनं नवीन कंपनी आली आहे, त्याला आज वर्क ऑर्डर दिला त्याला जायला आहे। आणि आज त्यांना सांगितलं आहे की 90 ते 200 कंडक्टर सध्या पुरती आम्ही 290 बसेस आहे, 90 × 200 180 आणि 20 एक्स्ट्रा असे आम्ही 200 कंडक्टर भरायला सांगितलेलं आहे। आणि लवकरात लवकर हे प्रक्रिया होऊन सकाळी उद्या 6 वाजतापासून बससेवा सुरू होणार आहे। परत बसेस को हर रोज सैनिटाइज किया जाएगा, साथ ही पूरी क्षमता के साथ ये बस सेवा शुरू हो रही है और जल्द ही पूरे शहर में अपनी बस सेवा फिर से शुरू होने वाली है, ऐसा भी इस समय परिवहन सभापति बोरकर इन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज, नागपुर।